अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं आई हूँ फिर से अपनी आप ही के घर। मैंने डिसाइड किया था कि मतलब अपने भांजों के साथ मिलके एक उनके लिए खुड्डा बनाऊंगी उनके खरगोशों के लिए, लेकिन अफसोस के साथ जब मुझे पता चला कि उनके रैबिट्स जो हैं, जो तीन थे उनमें से दो मर चुके हैं वाइट वाले, तो मुझे वाकई बड़ा दुख हुआ। और एक जो है वो बहुत ही बीमार हो गया है। अच्छा, ये इनका एक ही रैबिट बच गया है। देखें, इसके कान पे भी कोई एलर्जी हो गई है, बाल सारे झड़ गए हैं, और ये कमर पे कुब इसका निकल आया है, हड्डी ऊपर हो गई है, और इसके नाक जो है वो देखें किस कदर लंबी हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरह किसकी बीमारी है ये। ये देखें, आप देख सकते हैं किस कदर इसकी नाक लंबी हो गई है। नेल्स भी इसके अजीब से हो गए हैं, बहुत ड्रॉनी सी चीज़ बन गई ये तो। इसके साथ दो और रैबिट्स भी थे, उन वो जो है कुछ दिन पहले ही मर गए हैं, और मैं इसको देखने आई हूँ। और मेरी आपी ने बताया कि इसकी अजीब सी इसको बीमारी शुरू है, इसकी नोज़ अपने आप लंबी हो गई है। अगर आप लोगों में से किसी को भी मालूम है इस चीज़ के बारे में, काइंडली मुझे कॉमेंट करें। और ये इसको धनिया दिया गया है, बड़े शौक से खा रहा है, लेकिन इसकी नोज़ लंबी हो चुकी है। क्या अब दुरावी से बहुत सारा झूठ बोला था जो इसकी नोज़ लंबी हो गई है? कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई। इसकी आइज़ को भी कुछ हुआ हुआ है, इसकी आइज़ को भी कुछ लगता है हुआ है। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हाँ जी, प्लीज़ ज़रूर इसके इलाज के लिए भी कमेंट करिएगा कि इसके नोज़ क्यों लंबी हो गई हैं, पाँव क्यों लंबे हो गए, बाल क्यों झड़ना शुरू हो गए और आइज़ क्यों बंद हो गई हैं। ओके, इस वीडियो के साथ अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।